मौर्य प्रकरण जैसा ही मामला झारखंड से भी सामने आया है। पत्नी के बेवफा होने के बाद पति अब न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। पति पत्नी की शादी 14 साल पहले हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी की पीसीएस पदाधिकारी ज्योति मौर्य का मामला अभी सोशल मीडिया में छाया हुआ है। इसी मामले के तर्ज पर झारखंड में भी एक घटना सामने आई है, जहां कल्पना नाम की महिला नौकरी लगने के बाद अपने बेरोजगार पति को छोड़कर फरार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हैया पंडित की शादी करीब 14 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से कल्पना देवी के साथ हुई थी। अशिक्षित पति ने अपनी पत्नी को जमशेदपुर में रखकर A&M की पढ़ाई करवाई। कई प्राइवेट अस्पतालों में पढ़ाई के बाद कल्पना ने नौकरी भी की, लेकिन नौकरी लगते ही उसे कोई गैर भा गया। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए चलाते हुए और उनको पढ़ाए लिखाया। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर अति पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे। पति कन्हैया का आरोप है कि पत्नी को पढ़ाने में कर्ज अधिक होने के कारण वो कमाने के लिए गुजरात चला गया था। लौटकर आया तो पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। बात बात पर वो अपने पति से झगड़ा करती थी और बाद में एक लड़के के साथ भाग गई। बेचारे पति ने अपनी पत्नी की खोज में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन वहाँ भी उसे अभी तक निराशा ही मिली है। गुरुवार को SDPO कार्यालय से उस लड़के को फोन गया कि वो अपनी पूरी जानकारी के साथ ऑफिस पहुंचे। और कर्जे में 2.5 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे, तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर, अब बाहर से कमा के भेजिएगा। रही थी जब होली में जब आए हम, तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया, तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको। और सब इनका अति ले गए अति तेलो, वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, अभी छुटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छुटा छुट्टी करा देंगे, और लड़की बोलता है का लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है, हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का। कन्हैया पंडित ने बताया कि कल्पना से उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी। दोनों का एक 10 साल का बेटा भी है। बीते 14 अप्रैल को उसकी पत्नी अपने मायके जाने के लिए बोल कर गई, लेकिन शाम तक वो दोनों नहीं पहुंची। कन्हैया पंडित के अनुसार उसके सारे जमीन जायदाद के कागज उसकी पत्नी के पास है। हमको सताना चालू कर दिया, 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बुरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमरा पास नहीं आया, हमरा पास अति तबीयत खराब। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब ये जरूरी हो गया है कि समाज में रिश्तों की अहमियत को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार राय की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी ने आदिवासी मतदाताओं की गोलबंदी को पहली प्राथमिकता में रखा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गुवाहाटी में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 ST सीट पर बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या है रणनीति, बता रहे हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों की गोलबंदी पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। गुवाहाटी में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीजेपी नेताओं की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो वहाँ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। और इसमें इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करने को कहा गया है कि कैसे झारखंड में वैसी लोकसभा की सीटें जो पिछले चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई है उसे जीतना, और साथ ही साथ
जहां कम अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहां कैसे अंतर और बढ़ाया जाए, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। आदिवासी बहुल जो इलाके हैं, आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, अगर हम लोकसभा की 5 सीटों के संदर्भ में बात कर लें, तो वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करने को कहा गया है और इसके पीछे का लक्ष्य भी यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीती जाएं। और इसके साथ ही अगर आप आदिवासियों की गोलबंदी करने में सफल होते हैं, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलती है, तो 2024 में ही जो झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे और झारखंड में जो एसटी की 28 सीटें हैं, उसमें कैसे बीजेपी को और माइलेज मिल सके, इस पर सबसे ज़्यादा गौर करने को कहा गया है। तो लोकसभा चुनाव में अभी से ही आदिवासियों की गोलबंदी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो एसटी बहुल जो सीटें हैं, जो इलाके हैं, वहाँ बीजेपी के नेता, खासकर आदिवासी नेता, पसीना बहाते हुए दिखेंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देख लेते हैं।